नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यशोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। चालू कर दिया तो गैस पर रख दी कढ़ाइया, कढ़ाई में डाल दिया तेल, तो दो चम्मच तेल डाला है। तो ये तेल गर्म होने देती हूँ थोड़ा सा, तो इसमें डालूंगी अब सिमई। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये सिमई डाल रही हूँ। तो ये घर पर बनाई, तो घर की बनी हुई सिमई है बिल्कुल अच्छी, तो इनको डालती हूँ इसमें। इनको थोड़ा सा सेकना है अल्टी पल्टी करके, सेक लेंगे थोड़े दो मिनट तक इसे अच्छे से। तो दोस्तों सिमई हो गई, मैं इन्हें हटा देती हूँ अभी, साइड में कर दूंगी। तो ये भगोनी रख दी, इसमें मैंने पानी रख दिया, तो गर्म पानी होने देती हूँ, पानी देती हूँ। तो दोस्तों पानी गर्म हो गया, उबाल आने लगी इसी में। तो इधर जिससे मैं सेक कर रखी थी, अभी इसको डालेंगे, इसमें डाल देते हैं अच्छे से। ये देखिए पूरी इस तरीके से डाल दूंगी और इनका अच्छे से मिला दूंगी, तो इसे अच्छे से उबलने दूंगी अभी दो मिनट तक। तो ऊपर आ जाएगी उबल के जो, बहुत अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे आखिरी तक, बहुत टेस्टी रेसिपी बनने जा रही है। और आप भी जरूर बना के खाना इस तरीके से, हम बताएंगे बन रही है अभी। तो दोस्तों पक गई सिमई, ये देखिए तो उबाल आने लगी, अच्छे से उबाल आ गई और पक के ऊपर आ गई जिस सब्जी, अच्छी तरह से इस तरीके देख ले ऐसी। तो अब इन्हें उतारेंगे इस पे से। अब गैस को करते बंद, तो गैस को कर दिया बंद। तो दोस्तों इसे अच्छे से पकड़ के इसका पानी निकालेंगे। तो ये छन्नी रख ली मैंने टप में, तो छन्नी में खो दूंगी मैं इस तरीके से। ये देखिए तो इस तरीके से छन्नी में खो दूंगी और थोड़ा सा पानी और डालूंगी अभी इसी में। दोबारा ये पानी डाल दूंगी, चार दिन निकाल दी हो तन्ना के जा। तो दोस्तों इससे मैं देख ली, पानी निकाल दिया मैंने इनका और बहुत अच्छे से अलग अलग खिली खिली बनी है, देखिए। तो मैं अब लगाती हूँ प्लेट, तो इस तरीके से मैंने प्लेट लगा ली है, ये देखिए। तो ऐसे सभी बहुत सारे उसमें लगाऊंगी। तो अब इसी में डालूंगी दूध, तो दूध मैंने गर्म कर लिया, इसी में डाल ली शक्कर, तो शक्कर भी साथ में घुर गई, तो मैं अभी लगाती हूँ। तो इसी में जी दूध डाल लिया मैंने। तो दोस्तों मैंने लगा ली प्लेट और आप देख सकते हो, आप जरूर आप बनाइए ऐसे खाइए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।